दोस्तों मेरा नाम है सलमान और आप देख रहे हैं ऑल टेक्निकल सलमान यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपने देखिए रिंग एप्लीकेशन लिमिट को जो है यूज़ कर लिया है तो बहुत सारे सब्सक्राइबर कन्फ्यूजन है कि इसमें चार्ज हमको कितना लग रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आप जो है लास्ट तक ज़रूर देखें। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे सब्सक्राइबर को जो है ओवरड्यू हो चुका है, यानी किसी ने पेमेंट नहीं किया है 10 दिन 15 दिन। तो कितने लिमिट हमने यूज़ किया है तो उसके हिसाब से हमको कितना जो है चार्ज लगा है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि कितना चार्ज लगता है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यार रिंग एप्लीकेशन ओपन हो चुका है मेरा इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा 4600 की लिमिट है और यहाँ पर एक दिन बचा हुआ है और यहाँ पर हमने लिमिट यूज़ किया है 4700 रुपये। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसमें तो नहीं बता सकता कि मुझे इसमें कितना चार्ज लगा है, कितना जो है लेट पेमेंट चार्जेस लगे और ट्रांजेक्शन फीस कितनी लगे, क्योंकि अभी देखिए ओल्डेस्ट अकाउंट है। ठीक है, तो मैं आपको जो मेरा पुराना है मैंने पेमेंट नहीं किया है उसका बहुत दिन से, तो उसका कितना चार्ज लगा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं आपको उसको ओपन करके दिखाता हूँ। तो आपको दूसरा अकाउंट जो ओपन आपको करके दिखाता हूँ मेरा। यहाँ पर देखिए मैंने रिंग एप्लीकेशन को ओपन किया। ओके, अब यहाँ पर देखिए ओपन हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए मैंने OTP यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल लिया और यहाँ पर OTP आ चुका है। OTP एंटर करके कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। तो फाइनली यहाँ पर मैंने OTP एंटर कर लिया है। ओके, और यहाँ पर देखिए ये जो है ओपन हो रहा है मेरा एप्लीकेशन, तो इसको मैं ओपन होने देता हूँ। ओके, अब यहाँ पर देखिए ओपन हो रहा है और फाइनली ओपन हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस दिखा रहा है। यहाँ पर मेरी लिमिट थी अवेलेबल 6250 रुपये की, 3 रुपये बचा हुआ है और यहाँ पर मेरा 6800 यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, अगर आपकी लिमिट बची हुई है और आप उसको निकालना चाहते हैं तो मोर पर क्लिक करके बैंक पर अगर ट्रांसफर करोगे तो यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस दिखा देगा, टेक आप हाउस यू कैन नॉट यूज़ क्रेडिट लिमिट फॉर बैंक ट्रांसफर एट द मोमेंट। ठीक है, ओके पर क्लिक करते हैं। ओके, अब उन्होंने चार्ज कितना लगाया है वो हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिमिट कितनी यूज़ की और यहाँ पर इन्हें चार्ज कितना लगा है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 6250 की लिमिट है और यहाँ पर 6800 लगाए, तो चार्ज कितना लगा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ट्रांजेक्शन पर क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ पर इस तरीके से और यहाँ पर हम पूरे काउंट करेंगे कितना हमको चार्ज लगाए। ठीक है, तो यहाँ हम काउंट करेंगे। देखिए यहाँ पर 50 रुपये बाद में पकड़ेंगे हम, यहाँ पर से 200 200 200 करके निकाला, तो इसको काउंट करेंगे हम। ठीक है, तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 इसके बाद में 38 42 44 46 48 और यहाँ पर 50 52 54 56 और 58, इसके बाद में यहाँ पर हो गए 60 और इस 60 और यहाँ पर 200। ठीक है, यानी 6200 रुपये हमने यूज़ किए और वो ऊपर जैसे मैंने आपको बताया ये वाले 50 रुपये हमने छोड़े थे, 6250 रुपये। ठीक है, हमने निकाले थे और यहाँ पर और 1 रुपया और ट्रांसफ़र किया था, हमने 6251 रुपये निकाले थे और यहाँ पर अवेलेबल यहाँ पर देखिए 3 रुपये बचा हुआ है, यानी 6250 रुपये निकाले, 6249 यहाँ पर बचा हुआ है, 6000 यहाँ पर बचा 3 रुपये और यहाँ पर मैंने अब निकाला। देख से मैं आपको ऊपर और करके निकाल देता हूँ। ओके, 4999 रुपये निकाला था यहाँ पर मैंने। ठीक है, सॉरी यहाँ पर रीपेमेंट करे था, इसके बाद में 200 रुपये करके यहाँ पर मैंने निकाले यहाँ पर 6250 रुपये और मैंने डिले कर दिया यहाँ पर उनका 13 दिन कर दिया, तो यहाँ पर मुझे चार्जेस उन्होंने लगाए अब देख सकते हैं 6250 रुपये और यहाँ पर 13 दिन के यहाँ पर उन्होंने इतना चार्जेस लगाए, यानी 877 रुपये 13 दिन का चार्जेस इन्होंने लगाए हैं। तो दोस्तों ये तो मेरी 6250 रुपये की लिमिट थी जो कि 13 दिन के अंदर इन्होंने इतना चार्जेस लगाया 877 रुपये। तो किसी किसी की यहाँ पर 13,000 लिमिट है, किसी किसी की तो 15,000 रुपये तक की लिमिट हो चुकी है और किसी किसी की तो 20,000 रुपये तक लिमिट हो चुकी है। लेकिन जिन्होंने नहीं भरा है उतनी लिमिट और 5-6 दिन 7-8 दिन या फिर 10 दिन उनके जो ओवरड्यू हो गए, तो उनकी जो है कितना चार्जेस लगाया वो मुझे पता नहीं है। और प्लस अगर उनकी जो है पैसे भी अगर निकले तो ट्रांजेक्शन फीस भी ले रहे हैं। तो दोस्तों आपको कौन सा चार्ज ले रहा है मुझे बताना। ठीक है, कौन सा चार्जेस ले रहा है वो आपको, जैसे ट्रांजेक्शन फीस ले रहा है या फिर जो है लिमिट इंक्रीज़ की फीस ले रहा है या फिर जो है आपसे कोई और जो भी चार्जेस ले रहा है आपसे, तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। मैं इस पर सबको जो है वीडियो बनाकर सबको बता दूँगा और सबको अलर्ट रहने के लिए कहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आप भी अपने जो है एप्लीकेशन को एक बार चेक
चेक कीजिए कि कितना आपको चार्जेस लग रहा है, ठीक है। अगर चार्जेस इतने सारे लग रहे हैं तो कुछ टाइम के लिए भी इसको यूज़ मत कीजिए। जब भी ये फ्री का हो जाएगा पहले जैसा, तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर रिंग एप्लीकेशन की वीडियो अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो आप जो है फिर से उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, इसमें आपको कुछ सीखने को मिला। अगर आप बहुत ज़्यादा चार्जेस इसको दे रहे हैं तो आप जो है चार्जेस देने से बच जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपकी वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू वीडियो के साथ, न्यू ट्रिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय और थैंक यू।